से वृंदावन आप जा रही हैं, लेकिन मेरा अपना अभिमत यह है कि जब तक इनके एफआईआर सब समाप्त ना हो जाए, जब तक इनके बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, जब तक इनके सारे मामले खत्म ना हो जाए, इनको एक तरीके से हाउस। दोस्तों, गुलाम अजहर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसे कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा, डीजीपी का ये वीडियो अभी इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये जो वीडियो है अभी कुछ टाइम पहले अपलोड किया गया था और इसमें सीमा अजहर के बारे में और सचिन लपू के बारे में काफ़ी तगड़ा जो बयान है इन्होंने दिया है और बताया है कि जो सीमा अजहर के बच्चे जो है वो यहाँ से वहाँ हर जगह पर घूमने के लिए जाते हैं तो वो इलीगल नहीं है। और पहली बात तो सीमा जो भारत में आई है वो भी इलीगल तरीके से नहीं आई है। उस पर उन्होंने सारा बयान जो है आज के इस वीडियो में दिया है। तो बिना किसी तरीके सबसे पहले हम आपको उनका वीडियो क्लिप दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आपको फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट में फिर भी इसकी आमोदरफ और इनकी मौजूदगी फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी पुलिस अधीक्षक के घर यानी वर्तमान में पुलिस कमिश्नर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के कार्यालय में अपनी एंट्री आपको बराबर करानी होगी। और एक सीमित परिधि के बाहर अगर कोई जाता है ऐसी परिस्थिति में तो न सिर्फ सूचित करना होगा, अनुमति देनी होगी और मौजूदगी के बारे में बताना होगा किन अभिप्राय से किस अभिप्राय से वृंदावन आप जा रही हैं। लेकिन मेरा अपना अभिमत यह है कि जब तक इनके एफआईआर सब समाप्त ना हो जाए, जब तक इनके बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, जब तक इनके सारे मामले खत्म ना हो जाए, इनको एक तरीके से हाउस अरेस्ट में अपने घर में रहना चाहिए। अगर हम कबूतर को 8 महीने इस तरह से बंद करके रख सकते हैं, ये तो जिस तरीके का भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी है तो इनको भी एक तरीके से अपने घर में बेल पहन। मैं जानता हूं तो हाउस अरेस्ट की स्थिति है कि आप कहीं घर से निकलेंगे नहीं, आप अवांछनीय तरीके से लोगों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने एक बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल बना लिया है और वहां पर ये खुलेआम ये स्वागत और नागरिक अभिनंदन की व्यवस्था करने की पाकिस्तान ने औरतों आओ और यहाँ के मर्दों के साथ संबंध बनाओ और यहाँ पर आकर के लो और पुलिस के दृष्टिकोण से उतने ही स्लीपर सेल तैयार कर लो, उतने ही राष्ट्र विरोधी कैंप तैयार कर लो, उतने ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तुम एरिया तैयार कर लो। और अभी मामला क्योंकि बहुत ताजा है, लोग जो है अभी इनके मोह पाश में आ गए हैं, दिखाई उनको ये पड़ रहा है कि सीमा हैदर से ज्यादा भारतीय सनातनी कोई है नहीं। आप ही बताइए, आप भी तो हिंदू हैं, अरे कैसे दिया जाता है मालूम है आपको? अच्छे अच्छों को नहीं मालूम होता है। इनको पूरी ट्रेनिंग हुई है अर्घ कैसे दिया जाता है, पूजन कैसे किया जाता है, तुलसी जी के परिक्रमा कैसे की जाती है, दिया कैसे जलाया जाता है, आरती कैसे की जाती है, आरती कैसे, तो ये तमाम चीजें जो भाव भंगिमा जिसे कि लोगों के हृदय में चली जाए, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, एक तरफ आमदनी हो और दूसरी तरफ लोगों से सहानुभूति मिले और तीसरे ये है कि हमको मालामाल कर दे इस तरीके से। आपने देखा होगा जब नई नई आई थी तो अड़ोसी पड़ोसी जो बहू की जैसे नजर उतारी जाती है, बहू को जैसे भेंट और आभूषण दिए जाते हैं, वो तब भी बहुत मालामाल हो गए थे, पूरे गांव ने इनको उपहार दिए थे। सर, खबर तो ये भी है कि जो भी वीडियोस बनाने आते हैं बिना चार्ज किए वो भी नहीं उनकी तरफ से दिया जाता है। खैर सर, जब बच्चों की बात हुई वृंदावन लेकर गए, सर कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि मैं भी वहां विजिट की हूं, मैं भी गई हूं, उसके इंटरव्यूज किए हैं, मैं भी वहां का माहौल देख के आई, तो जिस तरीके से उसके जो बच्चे हैं वो इधर उधर कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, लड़कियां हैं बड़ी खूबसूरत खूबसूरत, 3 बच्चियां हैं, 1 लड़का है। अब लोगों को ये चिंता सता रही क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सचिन ने उसकी जो छोटी वाली बच्ची है उसको अपने लैप पर बिठा के अजीब अजीब तरीके से, मतलब ही वॉज बिहेविंग वेरी, मतलब एज इफ ही इज मॉलेस्टिंग इनएप्रोप्रिएटली, हाँ इनएप्रोप्रिएटली। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये दिखाती है ना सर कि वो सिक्योरिटी, बच्चों की सिक्योरिटी कहाँ है, क्या बच्चे सेफ हैं, सेफ्टी है बच्चों की? तो अगर बच्चे वहां पे हैं और खुलेआम इधर उधर उनको ले जाया जा रहा है, एक थर्ड, एक ऐसा पिता जो नकली है जो असली नहीं है उसके द्वारा इधर उधर घुमाया जा रहा है, तो इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? पहले तो क्राइम हो, अभी जो हमारा आरोप है यानी जो आरोप आपने लगाया है वो अभी उसकी बारे में कंप्लेंट कौन करेगा, बच्ची करेगी, बच्ची की माँ करेगी, लेकिन अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है। लेकिन आपने बड़ा वाजिब प्रश्न उठाया है, गुड टच बैड टच, वैसे भी हमारे जो संस्कार है और हमारी जो परंपराएं हैं, एक बच्ची को पिता स्पर्श
सामान्यतः नहीं करता है, विशेषकर अगर वो अगर मान लीजिए पिता भी है, सौतेला पिता भी है, तो उसको जरा दूरी बना के रखनी चाहिए और इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए कि उसके ऊपर इस तरीके के आरोप दुर्व्यवहार के या अनाधिकार चेष्टा के नहीं लगने चाहिए। लगे हैं तो मैं समझता हूं कि आपका शो सभी पुलिसकर्मी अधिकारी भी देख रहे होंगे, इसकी जांच जरूर कर लें और सचिन को परामर्श कर दें कि इस तरह की हरकतों से बाज आए, क्योंकि इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं और आप जेल भी जा सकते हैं। सर एक सवाल ये भी तो बनता है, क्या हम इंतजार कर रहे हैं उस समय का, क्या हम वेट कर रहे हैं कि उनके बच्चों के साथ कुछ हो तब जाके एक्शन लिया जाए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो आपने कहा कि इस इतने सारे रेस्ट्रिक्शन के तहत सीमा हैदर अभी है, उसको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, बावजूद अगर वो कर रही है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिए जा सकते हैं? देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें अगर कहीं हो सकता है कि अनदेखी कर दी हो सकता प्रशासनिक कोई त्रुटि हो गई हो, लेकिन आपके चैनल से अगर बात जा रही है आप उसको टैग कर दीजिए शासन प्रशासन को, उसकी समीक्षा की जाएगी, अगर कहीं से त्रुटि हुई है या सचिन ने दुर्व्यवहार बच्चियों के साथ किया है, क्योंकि बेशक वो पाकिस्तानी बच्चियां हैं लेकिन अगर पाकिस्तानी भी हैं उनके कुछ अधिकार हैं और अगर उनके विरुद्ध अपराध या यौन शोषण होता है तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। जी सर, ये सारी चीजें आपने समझा दी। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जिसके लिए मैं आज आई हूँ कि सर हम ये सब चीजें जान रहे हैं कि वो एक अवैध तौर पर घुसी हुई महिला है, 3 FIR उसके खिलाफ हैं, उसको बहुत सारी चीजें हैं जो उसको नहीं करना, उसको नजरबंद रहना है, बावजूद ये देखने को मिल रहा है सर सब कुछ हो रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि सरकार इसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रही है। जब भी मैं इसको लेकर मैं कई बार भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय गई हूं, मैंने तमाम प्रवक्ताओं से बात किया, कोई नाम लेने को राजी नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर कहा कि CAA बिल पास होने जा रहा है, जितने भी घुसपैठिए हैं उनको भगा दिया जाएगा। तो सर क्या तब तक इस तरह की चीजें चलती रहेगी, क्या हम इंतजार कर रहे हैं, आखिर क्यों उसको रोका नहीं जा रहा है सारी चीजें करने से? अगर वो मोबाइल यूज कर रही है तो कहीं ना कहीं सर वो भी तो हमारी सिक्योरिटी लैब्स है, कल उस मोबाइल को कहां किस तरीके से किस कोड में इस्तेमाल हो रहा है, हु नोज। कानूनी सवाल का कानूनी जवाब, CAA का इंतजार न करें, वो एक अवैध घुसपैठी है, उसके तीनों मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के उनकी सुनवाई करा करके निर्णय प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि सजा उनको मिले। सजा मिलने के बाद दो ही बातें, सजा प्राप्त हो गई इनको डिपोर्ट कर दें, अगर सजा नहीं होती है तो भी डिपोर्ट कर दें, क्योंकि उनकी एंट्री एक जुर्म के तहत हुई है, इतना ही कारण पर्याप्त है कि इनको डिपोर्ट होना ही है दोनों ही केस में। लेकिन दो बातें, अब तक उनके ऊपर जिस तरह की निगरानी होनी चाहिए थी, मैं उम्मीद करता हूं और मेरा परामर्श होगा कि और निगरानी और कड़ी की जाए, इनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाए। नंबर 3, ये जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रही हैं कि पाकिस्तान महिलाओं को वर्गला रही कि तुम यहाँ आओ और हमारे यहाँ ऐसे सचिन ऐसे भोले भंडारियों को पकड़ो उनको वर्गलाओ, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दिया है सीमा हैदर ने।